जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से किदम्डू के साथ डेवलप इंडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, जैसे जैसे दीपावली और छठ का त्यौहार महापर्व नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे नई नई ट्रेनों का, नई नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया जा रहा है रेलवे द्वारा। और ट्रेन का ऐलान होते ही ट्रेनों में सीट फुल हो जा रही है और वेटिंग लिस्ट हो जा रही है। पिछली बार भी कई ट्रेनों का ऐलान हो चुका है नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से, जो कि बिहार के लिए आ रही है या फिर जा रही है, उन सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रहा है छठ तक। अब वैसे में रेलवे फिर से नए ट्रेनों का ऐलान करने जा रही हैं, जो कि दरभंगा के लिए है। और जो भी दरभंगा जाना चाहते हैं आनंद विहार टर्मिनल से या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, उनके लिए एक और मौका है। या फिर दरभंगा से नई दिल्ली जाना चाहते तो उसके लिए भी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस कौन कौन सी ट्रेन है, किस रूट से होकर जाएगी, कहाँ, समय क्या होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से ऑल कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली ट्रेन की अगर बात करें तो यहाँ पर नई दिल्ली से दरभंगा के लिए है, नई दिल्ली से नहीं बल्कि दिल्ली से यानी पुरानी दिल्ली जंक्शन से है, जो कि दरभंगा के लिए चली, जिसका ट्रेन संख्या है 04060 और 59। दरभंगा से प्रस्थान करेगी 21 अक्टूबर 27 अक्टूबर, दो ट्रिप चलेगी। दिल्ली से भी यानी पुरानी दिल्ली से भी 20 अक्टूबर 26 अक्टूबर दो ट्रिप चलेगी। इसके अलावा अगर समय की बात करें तो दिल्ली से यह प्रस्थान करेगी 14:20 पर। उसके बाद इस मुरादाबाद, बरेली, आलमनगर, लखनऊ, बरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर आरा, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर के रास्ते ये दरभंगा को 15:45 पर पहुँचेगी। दरभंगा से प्रस्थान करेगी 18:20 पर। तो समस्तीपुर, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर के रास्ते फिर से ये दिल्ली को पहुँचेगी 19:55 पर। तो ये ट्रेन वाया पटना होकर के जाएगी आएगी। अगली ट्रेन की बात करें 04032 और 31, ये ट्रेन भी पुरानी दिल्ली से दरभंगा के बीच चलेगी, जो कि स्पेशल ट्रेन है। और यह ट्रेन एक एक ट्रिप दोनों ही दिशाओं से चलेगी। पुरानी दिल्ली से अगर बात करें तो यह ट्रेन 27 अक्टूबर को चलेगी और वहीं दरभंगा से भी 28 अक्टूबर को चलेगी। अगर बात करें तो यह ट्रेन दिल्ली से प्रस्थान करेगी 14:20 वही समय रहेगा। बाकी यह ट्रेन रास्ते भी वही रहेंगे, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी के समस्तीपुर के रास्ते फिर से दरभंगा को 15:45 पहुँचेगी और फिर 18:20 पर 28 अक्टूबर को प्रस्थान करेगी, तो दिल्ली को इसी रास्ते से होकर के पहुँचेगी। तो ये हो गई दो ट्रेन जो कि दिल्ली के लिए। तो दोस्तों, यही दोनों ट्रेन हैं जो दरभंगा को और दिल्ली को जोड़ेगी और लगभग तीन तीन ट्रिप दोनों ही दिशाओं से आप आ सकते हैं। बाकी इस ट्रेन के बारे में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिलहाल किसी नए वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।